जी अस्सलाम वालेकुम सुहेल अंजुम, आप सबके साथ टीम पैनअप की जानब से हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो मुझे एक दफ़ा सारे मेंबर्स को लाइव करने दें ग्रुप के अंदर, तो हम लोग फिर हम इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इशू चल रहा है स्विच बोर्ड की साइड से, तो इस वजह से हम जो है आपके साथ स्पेशली ये ईयरली एक्सक्लूसिव सॉरी ये मेन प्राइवेट ग्रुप के एक्सक्लूसिव जो है उसके लिए लाइव आए गए हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? अच्छा जी, मुझे बस 1 से 2 मिनट दीजिएगा और मुझे एक चीज़ कंफर्म कीजिएगा, क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है वो आप सब तक क्लियर नज़र आ रही है? तो काइंडली कमेंट करें, फिर हम इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जी क्लियर है जी मेरी वॉइस और मेरी जो स्ट्रीमिंग स्क्रीन है आप सब तक क्लियर नज़र आ रही है? कौन लोग मुझे कहाँ से सुन पा रहे हैं? तबीयत आपकी नासाज है, अल्लाह ताला आपको सेहत तो तंदुरुस्ती देता। हमारा जो एजेंडा है वो आज का क्लियर है। तो हम लोग जो है आज की जो हमारा अगर आप टॉपिक पढ़ें वो है हाउ टू टेस्ट सिग्नल्स, हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को स्टडी करेंगे। तो 3 बजे का हमारा सेशन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग जो है हमें टाइमली ज्वाइन किया हुआ है और हम इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ठीक है जी, मार्केट स्कैन बिल्कुल होगी और ट्रेनिंग भी होगी। होपफुली हमें कोई स्कैल्प मिलता हुआ हम उसको भी स्टडी करेंगे। ठीक है जी, सारी चीज़ें होंगी। फिलहाल तो मैं आप सबके साथ इस चीज़ से ये क्योंकि ये आप सब मेन ग्रुप के लिए एक्सक्लूसिवली लाइव एक अरेंज किया गया है, तो हम इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मुझे बस आप एक चीज़ कन्फर्म कर दें कि फॉर द टाइम बींग मेरी जो वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है अगर वो आप सब तक क्लियर है तो ठीक है, इंशाल्लाह ताला हम फिर अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलें जी, हम 5 मिनट तक जो है क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं और उसके बाद जो हम लोग अपने मार्केट अपडेट पे जाते हैं। सिग्नल के बच्चे सब्र सब्र कर ले थोड़ा सा, इतना टीम सिग्नल पोस्ट कर रही है तो सिग्नल उठा नहीं रहे आप लोग। क्या आपने 10 से 12 डॉलर अर्न करने का मेथड का कहा था? हाँ जी मैंने कहा था, अब तो उसकी कॉस्ट और लोअर हो गई है। 600 डॉलर की इन्वेस्टमेंट नहीं है स्टारशक में, अब तो बहुत कम हो गई इन्वेस्टमेंट। थोड़ा आई विल सजेस्ट कि अभी थोड़ा वेट करें प्राइसेस की स्टेबिलिटी तक। ठीक है जी, क्लियर है भाई? ठीक है, जास्मिन एनालिसिस मैं ऐसे बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं करूंगा जास्मिन का अंटिल अनलेस कि आप में से कोई बंदा ये बताए कि उसकी बाइंग क्या है और क्या इन्वेस्टमेंट है, किस पॉइंट पे बाइंग है। तो ऐसे तो जिस बंदे ने जो कॉइन बाय किया हुआ है उसी का एनालिसिस पूछता जाएगा। ठीक है जी, चलो जी यार, अभी जो है कीबोर्ड वॉरियर्स के लिए थोड़ी देर से माजरत है, हम BTC की अपडेट पे जाते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ ट्रेनिंग का पार्ट कंप्लीट करेंगे एंड देन हम जो है इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि अगर कुछ स्कैल्प हमें मिलता है सक्सेसफुली तो वो स्कैल्प देंगे। वैसे तो टीम 2 से 7 बजे तक हेल एक्टिव रहती है, तो आप उनमें से मैक्सिमम सिग्नल्स वगैरह जो है उठा सकते हैं। अच्छा जी, BTC जो है BTC के अहवाल हम बयान करता हूँ कि BTC जो है हमारे पास इस टाइम 47,500 पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है, और करंटली हम लोग जो है
BTC की एक बहुत हैवीएस्ट रेजिस्टेंस जिसको हम लोग सप्लाई जोन भी कहें, वहाँ पर हम लोग जो बैठे हैं वो है 48,500 का लेवल है। ठीक है, प्रीवियसली अगर हम लोग देखें, मैं इस लेवल को क्यों इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ कि प्रीवियसली हमें यहाँ तक ही जो थी रिजेक्शंस वगैरह का सिलसिला बियर करना पड़ेगा, और क्योंकि इतना बुलिश होने के बाद आपके सबके माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि भाई अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट पे बताएं कि नेक्स्ट हमारा कौन सा लेवल होगा जहाँ पे हमने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को मैनेज करनी होगी। ठीक है कि 48,300 48,400 तक गया है, लेकिन मैं आपको जो लेवल बता रहा हूँ वो है 48,500 का लेवल। ठीक है, 48,500 के लेवल पे आपने एक बकायदा नज़र रखनी है। जैसे ही आप 48,200-300 पे आते हैं तो कोशिश करें कि USDT में बैठें। ठीक है, USDT में बैठें, अगर तो वो रिजेक्शन होती है वहाँ से तो फिर भी आपका फ़ायदा है, और ब्रेकआउट होता है तो एटलीस्ट जब सक्सेसफुल ब्रेकआउट आपको कंफर्म हो जाता है कि यार 48,500 से हम ब्रेकआउट कर गए, तो फिर जाके आपकी जो है आर्ट कॉइन्स की पोजीशन, BTC की पोजीशंस वगैरह सिक्योर हो सकती हैं, स्पॉट बाय में या लॉन्ग में। आई होप सो कि ये जो सप्लाई जोन मेंशन करने का फ़ायदा और नुकसान क्या है वो आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। ठीक है, तो 48,500 के लेवल पे बड़ी नज़र रखें, और डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल हम 47,500 पे ट्रेड कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूं कि हमारे पास जो करंट सप्लाई जोन है वो डिमांड जोन है वो 45,500, ये तो हैवीएस्ट है, लेकिन जो 46,400 का एरिया है ये एक बहुत अच्छी अब सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है। और आप में से आई डोंट नो कितने मेरे रेगुलर फॉलोअर रहे हैं, और मैंने उनको ये कहा था कि जी अप्रैल के स्टार्टिंग मंथ में जो है हम लोग अप्रैल के स्टार्टिंग मंथ में जो है, और इसमें हमें मार्केट जो है थोड़े बुलिश सेंटिमेंट की तरफ लेके जाएगी। अगर आपने ये मेरी बात सुनी होगी तो आपको आइडिया होगा कि प्रडिक्शन है, रॉन्ग हो सकती है, मैंने प्रडिक्शन की थी। अब जो है हमारी आईज 48,500 के ऊपर का लेवल है, और लेडीज एंड जेंटलमैन की ये वाला जो एरिया क्रॉस करने का मतलब है कि जिनकी जितनी प्रीवियसली इन्वेस्टमेंट्स फंसी हैं वो रिकवर हो जाएंगी, अनटिल अनलेस के आप कोई बड़े 2 मिनट वाले, आधे मिनट वाले वो ट्रेडर नहीं हो, लॉन्ग शॉर्ट लगाने वाले। आप में से बहुत लो सारे लोग ऐसे होंगे कि जैसे ही आप ट्रेड लॉस में बंद करते हैं ना, सूनर और लेटर वो आपकी एंट्री तो क्या, एंट्री से बहुत ही ऊपर हैवीएस्ट प्रॉफिट में जाती होगी, और आप फिर बैठे एनालिसिस कर रहे होते हो कि यार काश मैं होल्ड करता अपनी पोजीशन तो आज मैं इतने प्रॉफिट में बैठा होता। मुझे पता है ना बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे। तो ये जो फोमो ट्रेडर की एक फोमो ट्रेडर जो है ना, जो जैसे ही आता है सिग्नल कॉपी पेस्ट करते हैं, एनालिसिस नहीं, और बाद में लेटर क्राई 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 ग्रुप के अंदर बहुत सारा देख रहा होता है। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की कमी है कि आप लोग अपना टेक्निकल एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे। तो खैर, मेरा जो फाइनल वेरिडिक्ट है BTC के ऊपर वो है 46.4 का एरिया, और अपसाइड के ऊपर जो है वो 48.5 का एरिया। वंस 48.5 ऊपर हम फ्लिप करके तो ये है कि हमारी आल्ट कॉइन्स के लिए ये बहुत बेहतरीन है। करेंटली अगर हम BTC डोमिनेंस भी देखें, 42.7 के ऊपर चल रही है, तो थोड़ा सा डिक्रीज इसके अंदर आपके आल्ट कॉइन्स के अंदर और एप्रिसिएशन लेंगे। देखो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये रिमेम्बर करते होंगे कि सोल कॉइन के ऊपर 12 दफ़ा कहा गया कि बिलो $90 इज गिफ्ट, FTT कॉइन बिलो $40 इज गिफ्ट, ऑफ कोर्स रियून कॉइन मैंने $3 के ऊपर, $4 के ऊपर बहुत रिकमेंड किया, थीरियम के ऊपर बेशुमार बात हुई कि यार थीरियम कहाँ पे, जब ये बेचारा 2500-2600 डॉलर पे था तो आपको कहा था हाँ आप लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग के मुताबिक इसको बाय कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग को अपना फ्रेंड नहीं बनाते। वो जी कुछ लोग कहते हैं कि जी BTC गया 20,000 पे, उसे पूछो कैसे गया, बस जा रहा है 25,000 पे गया, लेकिन सेंटीमेंट्स जो है हमेशा चेंज होते रहते हैं मार्केट की कंडीशन के हिसाब से। सेंटिमेंट क्या होता है कि एक टाइम पे हमें पता होता है कि यार अभी जो बेयरिश हैं, लेकिन कोई न्यूज़ ऐसी, कोई एफए ऐसा जिसकी वजह से जो है आपके सेंटिमेंट्स उसी टाइम जो है चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सो आई होप सो कि ये जो सेंटिमेंट की ट्रेडिंग है लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग के लिहाज से आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते होंगे।
ठीक है, तो चलें BTC की अपडेट क्लियर है। अब जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, मैं उनके पास अगेन जाता हूं और आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ने की कोशिश करता हूं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि BTC की अपडेट बिल्कुल क्लियर है और BTC की अपडेट बिल्कुल क्लियर है, और कौन से इंपॉर्टेंट दो लेवल्स मैंने बताए हैं जिनको आपने रिमेम्बर रखना है। क्या बताऊं सुंदर स्वैप का आपको? सर, कू क्वाइन पे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कैसे एक साथ लगाते हैं? मैंने कू क्वाइन को देखा नहीं है, OCO के वहां पर है, लेकिन डेफिनेटली आप टेक प्रॉफिट तो लगा सकते हैं। इसका एग्जिट पॉइंट क्या होता है? सर, एग्जिट पॉइंट AXS का ये है कि जिधर आपकी एंट्री है वहां पर आप लगाएं स्टॉप लॉस और एक्स इनफिनिटी AXS को चलने दें। मुझे लग रहा है कि आने वाले 3 मंथ में एक्स इनफिनिटी का फ्यूचर और ब्राइट है, एज वेल SLP का, क्योंकि इनका जो है प्रोजेक्ट लैंड उसके ऊपर जो है एक अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, काम कर रहे हैं ये लोग। BTC रिटेस्ट है स्टिल पेंडिंग 45.5K, मैं कह रहा हूँ कि 46.4K तक। BTC अपडेट क्लियर, इस जोन को आप अपने माइंड पर रखें 48,500 का, और 48,500 को फ्लिप करने का मतलब यह है कि हम एक अगेन एक वेव में दाखिल होंगे जिसमें आल्ट कॉइन्स वगैरह अप्रिसिएट करेंगे। और जिन लोगों को मैंने ये चीज़ सिखाई है कि सोल कॉइन की सेंटिमेंट मूवमेंट विद बिटकॉइन, तो वो लोग जो है एक अच्छा प्रॉफिट बनाने में कामयाब हो गए होंगे। ठीक है जी, एथेरियम टू BUSD का टेक्निकल एनालिसिस कर दें। सर, एथेरियम जो है इस टाइम 34 24 पे है, तो आई विल रिकमेंड कि आप BTC का अगर $1,000 तक लेते हैं तो ये 3,200 तक आएगा, तो ले कुछ इन्वेस्टमेंट पार्ट आप वहाँ पे लगा सकते हैं इसका। सर, अपने स्टार शेयर के सेकंड लेक्चर में देना था $500 इन्वेस्टमेंट पे $1,200 का प्रॉफिट। भाई देखो, मैं एक चीज़ अभी आपसे कंफर्म करने लगा हूँ, बहुत ध्यान से और गौर से सुनो। सब लोग जो है वो मेरे साथ रहो, बिल्कुल ठीक है, जिस क्योंकि आप प्ले टू अर्न से अर्न करना चाहते हो, लेकिन पता कोई नहीं है कि अर्न कैसा करना है। भाई एस्ट्रोलॉजी मैंने नहीं सिखानी, तो ये कमेंट यहाँ पे ना करो आप फिलहाल, ठीक है? तो क्योंकि क्रिप्टो के अंदर जो है प्रोजेक्ट्स अप और डाउन की मूवमेंट पे आते रहते हैं, ठीक है? अभी जो है आप में से अगर को मेरे से स्टार्ट शार्क कॉइन का पूछ रहा है वो डाउन है, तो ऑफ कोर्स उसकी जो शार्क की प्राइस है वो भी डाउन है, तो ROE स्टिल आपकी वही 3 से 4 मंथ या मैक्सिमम 3-4 मंथ जो है उस पर रिकवर हो रही है। तो अगर डाउन है तो आपकी देखें कॉस्ट भी तो डाउन आ गई है ना, तो इस लिहाज से अपने आप को भाई प्रिपेयर रखो। अगर वो पहले शार्क $500 की आ रही थी, अब वही शार्क $300 की आ रही है, तो मिलेंगे वही $8-9। तो वीडियो अगर ग्रुप में लगानी हुई तो मैं लगा दूंगा। बेसुएल भाई, बेसिक लेक्चर ऊपर से गुजर रहे हैं, हेल्प मैं आपकी सर क्या हेल्प कर सकता हूँ? एक दो दफ़ा देखें, जो भी बंदा न्यू कमर है वो चीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे कि ब्रेनस्टॉर्म वीडियो के बाद गाइड नंबर 10 पे चला जाए, ठीक है? गाइड नंबर 10 पे सीधा चला जाए। अच्छा, आप लोग अब जो है हम लोग अपना ट्रेनिंग का पार्ट जो है कंप्लीट करते हैं। ट्रेनिंग का पार्ट कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो ट्रेनिंग का पार्ट है वो ये है कि हाउ टू टेस्ट सिग्नल में हमने फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखना है। तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है आपको ट्रेडिंग व्यू पे भी मिल जाएगा, जिस भी कॉइन के ऊपर आप फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो देखना चाहते हो, यहाँ पर डिफरेंट टैब्स हैं, वो आपको इनमें से एक टैब जो है वो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, वो मुझे चेक करने दें। अच्छा, आप इसको देख सकते हो वहाँ पर भी, क्रोम के ऊपर भी देख सकते हो, ठीक है? हमने इस ये चीज़ हमारी आएगी सेंटिमेंटली एनालिसिस के ऊपर। तो आज आपको जो मैं एक बड़ी कमाल की बात बताऊंगा, उस चीज़ को ज़रा अपने माइंड में बिठाइएगा कि ये जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है ये कैसे काम करता है। यू रिमेम्बर कि जब BTC हमारा 41 से नीचे था या 40,000 से नीचे था,
जब 37 और 38 पे ट्रेड हो रहा था, तो हमारा जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स था वो 20 के ऊपर था, इवन 25 के ऊपर था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बड़े अच्छे से समझाई थी कि आप लोग जो है एक काम कर सकते हैं कि आप हमें हमेशा बाय द फियर सेल द ग्रीड का पार्ट कर सकते हैं। अब मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की अभी क्या सूरत हाल चल रही है, ठीक है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बिटकॉइन आप लिखो, क्योंकि बिटकॉइन इज किंग, तो बिटकॉइन के ऊपर पूरी की पूरी मार्केट डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हमें एक फियर एंड ग्रीड इंडेक्स नज़र आएगा कि 47,510 के ऊपर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या चल रहा है, 56। ठीक है, अभी जो है फिलहाल ग्रीड चल रही है, यस्टरडे ये 60 तक गया हुआ था, बहुत ज़्यादा लालच थी, फिर लोग बाय कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उनको लग रहा है कि जो है मार्केट पूरी पंप कर रही है, तो वो प्रॉफिट बेस के ऊपर इसको बाय करना चाह रहे हैं। ये लास्ट वीक की ही बात है कि हमारे पास जो है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बिलो 30 था, उस पे आप देखें। अब आपने ना एक अपना सेंटिमेंट एनालिसिस आज आपने स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, एक सेंटिमेंट एनालिसिस आपने स्ट्रॉन्ग करना है कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जब आप 30 से नीचे देखो, बिलो 25 देखो, तो बहुत सारे लोग जो उस टाइम डर रहे होते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट का पार्ट जो है नहीं करना चाहते, मार्केट और बर्बाद होगी, गिर जाएगी, क्योंकि आई रिमेम्बर 35 पे था BTC, यार ये तो 30K पे तो इजीली टेस्ट कर जाएगा। सर आपको जो लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग सिखाई जा रही है वो इसी चीज़ के लिए ही सिखाई जा रही है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक है, आपको पता है कि एक क्रिटिकल सपोर्ट आपकी 35 के ऊपर है, 33 के ऊपर है, तो आपने कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो ये लेवल हमेशा चेंज होता है। अब हमारा जब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 26 से नीचे है या 25 है, तो इट्स मीन के वो एक बाइंग इंडिकेशन है कि मार्केट के अंदर काफ़ी सारे लोग डरे हुए हैं। तो वो वॉरेन बफेट के मुताबिक जो आपका एक मार्केट का बहुत बड़ी वेल है स्टॉक मार्केट की, वो कहते हैं कि भाई बाय द फियर सेल द ग्रीड। अब ये ग्रीड देखें 56 पे आ गई है, यही ग्रीड आपकी मे बी जैसे ही हम फ्लिप कर जाएंगे 48,500 के रेजिस्टेंस को, तो ये आपकी ग्रीड 60 अबाव इवन 70 के करीब आ जाएगी। तो जिन बंदों ने 25 के ऊपर फियर को बाय किया था और इस ग्रीड के ऊपर आके सेल कर रहे हो, तो वो एक अच्छे प्रॉफिट में है ना, ऑफ कोर्स। तो इसलिए आप अपना सेंटिमेंट एनालिसिस इस लिहाज से स्ट्रॉन्ग रखें कि इस चीज़ को, कि आप जब फुल ऑन मार्केट गिरी है, आपको मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि जब आपका BTC $20,000 से, पता है आपको एक जो ऑल टाइम हाई था 2019 में, कि $20,000 से आपकी मार्केट गिर गई थी $4,000 पे, तो सब लोग कहते थे भाई लूट गए, बर्बाद हो गए। लेकिन उस टाइम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स था 5, 5 से 6। तो आप ये देखो कि वो 5 और 6 का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, और उसके बाद मार्केट का अगेन विद इन अ 2 ईयर ऑल टाइम हाई पे जाना, 69,000, 69,000 पे था फियर एंड ग्रीड इंडेक्स तकरीबन तकरीबन 90 के करीब। ठीक है, तो यहाँ से ये देखें, ये जो नीडल घूम रही है ना फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, ऑल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ये एक आपको मार्केट का सेंटिमेंट बिहेवियर बता रही है कि बायर्स और सेलर्स जो हैं इस टाइम किस पोजीशन में है। तो आप इन्हें रिफ्रेश करके देखते रह सकते हो कि यार फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है करंटली क्या चल रहा है, 56 चल रहा है, तो इस टाइम ग्रीड है, 50 से ऊपर ग्रीड है, तो ये जो स्कैल्पर जो हजरात हैं वो तो डे ट्रेडिंग कर सकते हैं जो टूल्स और इंडिकेटर्स के मुताबिक। इन्वेस्टर होगा ना, तो वो वेट करता होता है कि यार फियर जो है, फियर के ऊपर नीडल आए और मैं फिर इन्वेस्टमेंट पार्ट करूं। जैसे 25 के ऊपर था तो इन्वेस्टर कहता था भाई जी फेंको पैसा, फियर चल रही है, लोग नहीं बाय करे, मैं करूंगा, क्योंकि बोल्ड है ना। तो इस लिहाज से ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है सेंटिमेंटली इस तरह एक्ट करती है। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार न्यू भी थे हम लोग, नए भी थे, तो हमें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के लिहाज से भी मार्केट की मूवमेंट कुछ हद तक समझ आई है, या आप लोग स्टिल आप वही अड़े हैं कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जासमे कॉइन का बता दें, PTC या जिल में लॉस हो गया था वो बता दें। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का जो सेंटिमेंट एनालिसिस के हिसाब से हमें ये चीज समझ आई है, वेव्स कॉइन कह रहा है जी क्यों पंप कर रहा है, भाई मैं देख लेता हूँ वेव्स कॉइन क्यों पंप कर रहा है, समझ आ गई सर भाई। ठीक है जी, माई RTO बाइंग इज वन, आर वी सेइंग $3 और $4 सून, नहीं भाई $3-4 सून नहीं आप देख सकते फिलहाल।
नहीं, वो कोई मसला नहीं है माले समत भाई। वो अगर मेरा लेक्चर चल रहा है तो वो एक सेपरेट टीम काम कर रही है, वो कोई इशू नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो लोग नहीं देख सकते लाइव सेशन, वो जो है आप सिग्नल्स ले लो, इस पे तो सर कोई मसले वाली बात नहीं है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं न्यू बियर हूँ बट क्लियर ऑफ दिस। बिल्कुल ठीक है जी, आप अगर न्यू भी हैं तो आपको ये फियर एंड ग्रीड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो आई होप सो कि आप लोग जो है मार्केट को सेंटिमेंटली जज करने में थोड़े बहुत कामयाब हो गए होंगे। इस चीज़ को कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस, कि विदाउट आप कोई भी चार्ट पेंटिंग किए बगैर, विदाउट चार्ट के ऊपर हैवी हैवी इंडिकेटर्स लगाए बगैर, आप एक बायर और सेलर्स का सेंटिमेंट बता रहे हैं, कि बायर और सेलर का सेंटिमेंट बता रहे हैं। तो ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो एक अच्छा टूल हो सकता है कि आप एक बायर और सेलर्स का सेंटिमेंट्स बताएं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स सर कहाँ से देखना है? सर ये देखो, मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बिटकॉइन, ठीक है। गूगल को और यूट्यूब को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं, ये आपको कभी धोखा नहीं देते, बकाया तो दुनिया के अंदर बेशुमार धोखे मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप ये लिखें, बेशुमार वेबसाइट्स हैं जो करंट फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बता रही होती है। इवन ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी आप जो है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन एक इनेबल था, लेकिन अभी जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा कहाँ पर है। तो यहाँ भी आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है इजीली शो हो जाता है। एडवांस व्यू में देखें, शायद यहाँ पर आ जाए। ठीक है जी, खैर कोई बात नहीं। कैन वी सी गाला एट 0.454? हाँ जी, लॉन्ग टर्म में 0.4 गाला टच कर सकता है। गेमिंग कॉइन है, अच्छा काम कर रहे हैं। एक वीडियो ट्रिलियन स्टॉप लॉस पर भी बनाइएगा। वेव्स को मैंने 44 पर देखा है, मैंने सेंटिमेंट को लेके $50 पे है। जी बिल्कुल, सेंटिमेंट को देख के आपने वेव्स को इस पे बेचा है, तो ऑलमोस्ट आपने सेंटिमेंटली एक अच्छा प्रॉफिट सिक्योर करने में आप कामयाब हुए होंगे, ठीक है। अब हम लोग जो देखते हैं वेव्स टू USDT की, ऑनेस्टली मेरे पास अभी इसकी कोई न्यूज़ की नहीं है, या वेल ग्रुप ने पंप कर दिया इसको या क्या किया है। 91 के ऊपर इसकी RSI है और 1 डे के ऊपर इसकी RSI है 91 के ऊपर, तो वेव की जो मार्केट है ये थोड़ी सी मुझे गिरती हुई नज़र आएगी। हम लोग ये देखें कि ये वेव कॉइन है ना, हम लोग फिल्टर लगाते हैं। आज हम अपनी वो रिलेटिव स्ट्रेंथ, वो क्रिप्टो स्कैनर को टेस्ट करते हैं। आपको इसकी ट्रेनिंग दी हुई है ना कि क्रिप्टो स्कीनर कैसे काम करता है, तो मैं कहता हूँ कि जी 80 से ऊपर क्वाइन मुझे दिखाओ जिनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 80 से ऊपर चलते हैं। लेट सी कि जो हमारा वेव क्वाइन है यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये बाइनेंस के ऊपर ऐसे क्वाइंस जिनकी 80 से ऊपर आ रहा सही है, जिल क्वाइन ऑफ कोर्स वहाँ पे चल रहा है, जिल काफ़ी पंप हुआ हुआ है। यहाँ पर देखें ये वेव्स टू USDT बता रहा है कि इसकी जो आर एस आई है वो काफ़ी बुलिश हुई हुई है, ठीक है, GTO टू USDT है। तो जो बंदा भी हमारा रेगुलर फॉलोअर है वो तो इसको अच्छा जज करने में कामयाब होगा कि जिस बंदे ने प्रॉफिट कमाना है वो कमा सकता है, क्योंकि ये जो है RSI सूनर और लेटर इसकी ड्रॉप होगी। 90.9 चल रही है यार, ये इसकी पीक रेजिस्टेंस है। वेव की 94 पे गई हुई है मैक्सिमम, तो अभी जो इसका ऑल टाइम हाई ही अपना ये एक प्रिंट कर रहा है, वेव्स ऑल टाइम हाई ही प्रिंट कर रहा है। अगर हम लोग इसको देखें प्रीवियसली चार्ट्स के ऊपर, तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो प्रिंट हो रहा है। तो आप में से जितने भी लोग हैं मेरे साथ, आपने एक काम करना है, डेमो ट्रेड करनी है और पेपर ट्रेड करनी है। क्या करनी है? डेमो ट्रेड और पेपर ट्रेड करनी है, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग हम लोग यहाँ पर, पेपर ट्रेडिंग के ऊपर आपको लेक्चर दिया हुआ था, तो हम लोग जो है पेपर ट्रेडिंग और डेमो ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। मैं भी आपके सामने एक ऑर्डर पैनल लगाता हूँ, तो वेव्स टू USDT की पेपर ट्रेडिंग आपने करनी है जी। ए ट्रेडिंग व्यू वाया पेपर, यहाँ पे ऑफर नहीं कर रहा, लेकिन हम लोग इसको पेपर कनेक्ट पे ऑफर कर सकते हैं। मैंने आपको दो तरीके बताए थे पेपर ट्रेडिंग करने के, एक तो पेपर ट्रेडिंग बाय ट्रेडिंग व्यू और पेपर ट्रेडिंग बाय पेपर स्टोन।
इन दोनों को आप एट द सेम टाइम पेपर ट्रेड्स पे कर सकते हैं। एक आपको 1 लाख डॉलर देते हैं और एक ये पेपर स्टोन वाले जो है आपको 50,000 डॉलर देते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ही कनेक्ट होगा तो आपने पेपर ट्रेड करनी है, ठीक है। तो पेपर ट्रेड अब यहाँ से यहाँ पे पासवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा था तो आ जाएगा, इसको कर लेते हैं कनेक्ट। तो पेपर ट्रेड आपने किस तरह करनी है कि फिलहाल ये देखें कि आपकी जो वेव्स की आरएसआई है, मैं ये कहता हूँ कि इसकी मैक्सिमम अभी ये ऊपर जाएगा तो ये 53 से इसकी जो है आपने देखनी है कि शॉर्ट की पोजीशंस कितनी नीचे आ सकती है। सिर्फ पेपर ट्रेड करनी है भाई, डोंट इन्वेस्ट रियल मनी। पेपर ट्रेड के तौर पे आपने इसको चेक करना है और आपने ये देखना है कि 90 के ऊपर इसकी आरएसआई है तो कब इसको रिजेक्शन मिलती है, ठीक है। तो ये पेपर ट्रेड आपने करके देखनी है। अब यहाँ पर देखें हम लोग इसका स्टॉप लॉस भी अपडेट करते हैं, 53 है ना, कि 53 है तो वैसे इसने मैक्सिमम 54 लगाया हुआ है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हमारा आएगा यहाँ पर, ये इस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के मुताबिक हम काम करेंगे, ठीक है। तो पेपर ट्रेड के तौर पे आपने इसको टेस्ट करना है कि आया कि ये जो है नीचे गिर रहा है, कितने परसेंट नीचे गिरता है, कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट करते, कितने परसेंट प्रॉफिट हो सकता था। यार जास में अपडेट मैं कैसे दूं, मुझे आप लोग ये बताएं कि किस बंदे ने क्या इन्वेस्टमेंट की है, मतलब मैं ऐसे तो नहीं ना बताऊंगा। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जास में कॉइन बाय किया हुआ है और वो कह रहे हैं कि जी हमारी ये एंट्री है, तब भी उस हिसाब से मैं आपको बता सकूंगा। सही है जी, प्लीज़ AXX का एनालिसिस कर दें, गोट्स कॉइन्स के बारे में क्या कहेंगे, कैसे कॉइन है, मेटावर्स से रिलेटेड है, 1.4 पे है। सर मैंने रिसर्च नहीं की हुई गोट्स कॉइन की, तो वल्ला मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। ये देखें 53 से मैंने कहा था ना इसकी शॉर्ट की पोजीशन जो है आपने एज अ पेपर ट्रेड के तौर पे देखनी है, तो 53 से 52.88, तो डेफिनेटली जो है ये आपकी एक सेंटिमेंट एनालिसिस के तौर पे मैंने आपको आपके सामने जो है ट्रेड लगवाने की कोशिश की है कि हम लोग जो है करंटली 0.7% जो है डाउन चले गए और थोड़ा सा और डाउन जाएंगे, ठीक है जी। 0.7% से है हम लोग 0.83% डाउन चले गए, तो लाइव ट्रेडिंग का फायदा हो रहा है, लाइव ट्रेनिंग का फायदा हो रहा है। सेंटिमेंटली आपको देखते हुए बताया, आरएसआई को देखते हुए बताया, लाइव ट्रेनिंग का फायदा हो रहा है या बस इसी लूप में अड़ गए, वो उत्ते जा रहे हैं थल्ले जा रहे हैं, उत्ते जा रहे हैं थल्ले जा रहे हैं। सोल 112 पे बाय किया है, ये बताएं कि जो मैंने आपको पेपर ट्रेड करवाई है लाइव, उसका कुछ फायदा हुआ है आपको? कि अगर मैं अपने इसी पे बैठा होता अपनी ट्रेडिंग पैनल्स पे तो क्या मैं अपनी शॉर्ट एक्टिव नहीं कर सकता था? लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं, आपका सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। क्या हम फीड एंड ग्रीड, भाई फियर एंड ग्रीड को देख के बिटकॉइन प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं? ठीक है जी, ये तो थी हमारी एक लाइव पेपर ट्रेड, प्योरली प्योरली बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। देख रहे हो मर रहा है ये, इसकी वफात हो रही है, होती जाएगी भाई। 90 के ऊपर आरएसआई समथिंग रिमार्केबल, मुझे तो 90 से ऊपर आरएसआई मिले तो छोड़ता नहीं होता, लेकिन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये नहीं कि मुंह उठा के आ जाओ 3 मिनट के ऊपर भाई 90 थी तो मैंने लॉस हो गया मेरा, समझ आई है आप सबको? लाइव पेपर ट्रेड जो भी आपको चीज सिखाई हुई है, बताई हुई है,
उसके ऊपर मैं आपको बताइए कि जी ये देखें करंटली अभी ट्रेड बन रही है और हम ले सकते हैं। पूरी मार्केट पंप कर रही है, पीटीसी भी हमारा स्टेबिलिटी के ऊपर है और हम जो है ऑलमोस्ट 1% प्रॉफिट में है, 1% सही है जी। आरएसआई फुल फॉर्म रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मार्केट का पोटेंशियल बताती है आपको। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें मार्केट अपडेट भी क्लियर है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी क्लियर हो गया है, हमने लाइव सुहेल भाई के साथ पेपर ट्रेड की, लाइव पेपर ट्रेड की, वेव प्रॉफिट बुक किया तो, और हमें ये भी समझ आई है, देख रहे हो भाई। चलें जी हम 1.3% डाउन चले गए इसमें। सर जासमिक 1.35 पे बाय किया है, प्लीज बताएं। ठीक है होल्ड करो भाई। नहीं अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी आपने स्टार शार्क में, अभी जो है फिलहाल उसी इन्वेस्टमेंट को पूरा करो 4-5 महीने खेल के, ठीक है। तो चलो यार थैंक यू वेरी मच, आई होप सो कि आज मैंने ये चीज़ सिखाने की कोशिश की है कि आपको मैं भिखारी ना बनाऊँ, आपको मैं फिश ना दूँ, फिश पकड़नी सिखाऊँ। तो सेंटिमेंट एनालिसिस आपको सिखाया, लाइव आपको एक पेपर ट्रेड से अपनी आरएसआई की अपनी ही सिखाई हुई टेक्निक से आपको बताया कि भाई ये कॉइन जो है गिर जाएगा अभी, ठीक है। तो आई होप सो कि आप सब लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे और आपको सेंटिमेंट एनालिसिस भी सीखने का मज़ा आया होगा, मार्केट अपडेट भी क्लियर होगी होगी। तो थैंक यू वेरी मच जिस जिस बंदे ने भी ज्वाइन किया सीखा। और सी टोकन डाउन जा रहा है तो भाई क्या ताल्लुक है, 5-6 महीने गेम खेलो, पैसे लेके बाहर जाओ, कौन सा इशू है, कोई मसला नहीं है। मंडे को $500 वाला इन्वेस्टमेंट का बताएंगे, $500 अभी वो इन्वेस्टमेंट 500 से भी मेरा ख्याल है $300-$800 के ऊपर आ गई है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपको वो फिर बताऊंगा। और अभी जो था मेरा मार्केट अपडेट ट्रेनिंग का पार्ट और सिग्नल जो हमने पेपर ट्रेड के ऊपर किया, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी होंगी। तो थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट स्कैल्पिंग सेशन में।